मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर की अध्यक्षता में महाराजगंज जिले के कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में कोविड 19 के दृष्टिगत समीक्षा बैठक संपन्न हुई, जिसमें आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, गेहूं क्रय, ग्राम पंचायत में बाहर से आए हुए व्यक्तियों का विवरण, जनपद की लॉजिस्टिक स्थिति, कोरोना संबंधित तैयारियों के अद्यतन स्थिति, IDSP सिस्टम, उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास, भरण पोषण के दृष्टिगत दी जाने वाली राहत, लॉकडाउन के अंतर्गत चलाए गए विशेष प्रवर्तन अभियान, सामुदायिक रसोई आदि विस्तार से समीक्षा की गई। मंडलायुक्त जयंत लानिकर ने सर्वप्रथम जनपद के 6 कोरोना मरीजों की रिपोर्ट दूसरी बार भी निगेटिव आने पर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, मीडिया, गणमान्य नागरिकों सहित विशेष रूप से मरीजों का इलाज कर रहे चिकित्सकीय टीम को धन्यवाद ज्ञापित किया कि उन्होंने कहा कि ये जनपद के लिए नहीं अपितु मंडल व प्रदेश के लिए अच्छी खबर है। इस खबर से प्रदेश के मुख्यमंत्री भी खुश हैं। इसके साथ ही उन्होंने हिदायत देते हुए कहा कि कोरोना के प्रति यहीं से लड़ाई खत्म नहीं हुई, अभी तो हमें और अधिक सतर्क होकर अपने दायित्वों का निर्वहन करना होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना मरीजों और उसके परिजनों सहित धरातल पर हमें गंभीरता से ध्यान देना होगा। संदेहास्पद व्यक्तियों को चिन्हित करते हुए अधिक से अधिक कोरोना नमूना जांच हेतु प्रेषित करना होगा। इस कार्य में जिला अस्पताल, CHC, PHC, प्राइवेट अस्पताल सहित समुदाय स्तर पर आशा, ANM आदि की भूमिका प्रभावी हो सकती है। कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड पर जोर देते हुए मंडलायुक्त ने कहा कि इस महामारी में ये ऐप बहुत कारगर सिद्ध हो रहा है। ये वायरस संक्रमण के खतरे का आकलन करने में नागरिकों की मदद करता है। राशन वितरण की समीक्षा के दौरान मंडलायुक्त ने कहा कि शासन के निर्देशानुसार राशन का वितरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए तथा सामाजिक दूरी भी बनी रहे, इसलिए टोकन सिस्टम लागू करने के भी निर्देश दिए। भरण पोषण की समस्या के दृष्टिगत पंजीकृत श्रमिकों को दिए जाने वाले 1,000 रुपये का 100% ट्रांजेक्शन के निर्देश दिए। इसके पूर्व मंडलायुक्त ने PCF के गेहूं क्रय केंद्र श्याम देवरुआ और नवीन गल्ला मंडी परतावल में स्थित खाद्य विभाग एवं PCF के केंद्रों का निरीक्षण किया तथा केंद्र प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके उपरांत उन्होंने समेकित हॉस्पिटल महाराजगंज का निरीक्षण कर वहां बने Level 1 अटैच कोविड के अस्पताल की व्यवस्था को देखा। बैठक में जिलाधिकारी डॉक्टर उज्ज्वल कुमार, पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवान, मुख्य विकास अधिकारी पवन अग्रवाल, अपर जिलाधिकारी कुंज बिहारी अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, सबसे पहली बात है कि आज मैं जिला प्रशासन और इनकी पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि कमिश्नरी में महाराजगंज में ही हॉटस्पॉट एक आज इसमें 6 पॉजिटिव केस और ये इनकी मेहनत का नतीजा है कि वो 6 पॉजिटिव केस जो भी SOPs हैं फॉलो करने के बाद में नेगेटिव हो गए हैं और कह सकते हैं कि महाराजगंज जिला जो है कोविड से मुक्त हो गया। लेकिन ये लड़ाई सतत जारी रहेगी और ये लड़ाई सतत जारी रहे, हम किसी भी तरह की ढिलाई ना करें। इसलिए हम लोगों ने आज आपस में बैठ के कुछ वार्ताएँ की हैं, कुछ निर्णय और लिए और उसी के क्रम में हम लोग उपस्थित हैं, जैसे कि हमारी जो कंटेनमेंट की स्ट्रेटजी है, जो हमारी 3 P's की स्ट्रेटजी है कि हम टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के बाद में ट्रेस करेंगे और ट्रेस करने के बाद में ट्रीट करेंगे। सो वो 3 P की स्ट्रेटजी हम फॉलो अच्छे से करेंगे। जो आवश्यक वस्तुएँ स्पेशली खान पान की जो भी चीज़ें हैं वो सबको मुहैया हो, उसमें कोई दिक्कत ना हो और स्पेशली ग्रामीण अंचलों में जो चीज़ें हैं, गेहूँ का क्रय किया जाना है, वो चीज़ें सुचारू रूप से हों और उसमें कोई भी नियम का विरुद्ध ना हो, नियम का उल्लंघन ना हो, इन्हीं चीज़ों पर हम लोगों ने समाधान करने का प्रयास किया और आशा करते हैं कि जो भी निर्णय लिए गए हैं उसका अच्छा शान पालन करते हुए हम महाराजगंज को कम्प्लीटली कोविड फ्री जी, क्योंकि आपके जो 6 पॉजिटिव थे वो निगेटिव हो गए। लेकिन हमें क्योंकि मूवमेंट लोगों का होता है, कोई एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है, वो सिम्प्टोमेटिक हो सकता है, तो हमें सैंपल भेजते रहना होगा, हमें कड़ी मॉनिटरिंग करनी। देखिए, भारत नेपाल सीमा कम्प्लीटली सील है, मुझे बताया गया है कुछ आवश्यक वस्तुओं के 200 ट्रक हैं जो इस साइड से जाते हैं, उसके अलावा जब तक अगले निर्देश नहीं आते हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल है तो इसमें दोनों केंद्र सरकारें जो भी है उनका डिसीजन होगा और जैसा भी निर्देश आएगा उसके बाद ही हम कोई वो तब तक यही रहेंगे, हमें का जो भी ऊपर से निर्देश आएंगे उसके हिसाब से। ठीक है।